सब कुछ भूल के कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई फालतू की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ के विकास के लिए आजमगढ़ को सरकार से जुड़ना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ भी है, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। आजमगढ़ की जनता ने ये तय किया है कि दो साल ही बचे हैं, दो साल भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके देखेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी और उनका चुना हुआ भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि अच्छा काम नहीं करेगा तो बदल देंगे, लेकिन एक मौका देंगे। सर, बसपा प्रत्याशी का कहना है कि लोकल बनाम प्रवासी माने, तो ऐसे लोगों के किसको चुनेंगे आप? वो लोग तो बाहरी हैं, जीत कर चले जाएंगे, हम यही लोगों के बीच रहने वाले हैं। आप लोगों के बीच में रहिए, लोगों के घर में रहिए, वो मायने नहीं रखता। आप सरकार में रहिए, ये मायने रखता है। आप सरकार में नहीं है तो आप घर में रहिए, दुआरे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ से बगल में ही 30 किलोमीटर पे हूँ और पूरा आजमगढ़ मेरे घर आधे घंटे में पहुँच सकता है। मैं खुद यहीं रहूँगा, मैं क्यों कहीं जाऊँगा? तो सबसे बड़ी बात यह है कि आजमगढ़ के लिए इस बार ये मुद्दा है कि हम सरकार के साथ रहेंगे, विपक्ष में रह के नहीं किया, तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है। फलतू की बात, जब बरसात आने वाली है, बाढ़ में शहर और भी इलाके डूब जाते हैं, उसके लिए आपका क्या कदम रहेगा अगर आप चुनाव जीताते हैं? मेरा सबसे पहला कदम यही होगा, मैं बाढ़ से जितने ग्रसित इलाके होते हैं, जहाँ भी इस तरह की बार बार समस्या आई है, तो हम लोग रिंग बांध से उसको जो है, कई बने भी हैं पर अभी और ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है, वो बनवाएंगे। और आजमगढ़ में जो बंधा है, बंधा जो है वो तीनों तरफ से अगर बन जाए तो ये बाढ़ की समस्या अपने आप खत्म होगी। सर, आपने कहा था कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है हमसे जुड़ने जा रहे हैं, देरी नहीं हो रही है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह, क्योंकि आजमगढ़ की जनता लड़ रही है चुनाव विकास के लिए। आज देखिए कि 10-10 विधायक चुनने के बाद भी वो दसों विपक्ष में है, इसलिए कुछ हो नहीं रहा है। सड़कों की हालत खराब है, यहाँ हर समस्या जस की तस पड़ी हुई है। तो अब आजमगढ़ को ये तय करना है कि अगर विकास के लिए आपको काम करना है, आजमगढ़ को आगे बढ़ाना है, तो सरकार के साथ जुड़ना है। और ये बहुत अच्छा मौका भगवान ने हमको दिया है कि हम लोग आजमगढ़ में कमल खिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही करें कि ये देखिए आजमगढ़ के लोगों ने आपके भरोसा जताया है, आपकी सारी योजनाएं जो गरीबों के लिए है, आजमगढ़ के जो प्रतिनिधि है, जो विरोधी है, वो नहीं पहुँचने देते, इसलिए नहीं पहुँचने देते कि वो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। तो अब जो है आजमगढ़ में जब कमल खिलेगा तो हम लोग को घर घर की योजना सुविधा पहुँचाए। नगर के रोड की जो आपने एक वीडियो वायरल की थी, उस पर यहाँ के सपा प्रत्याशी का आरोप है कि आपकी सरकार ने ही रोड नहीं बनने दिया। दूसरा सवाल यह कि आप अपने क्षेत्र में जा रहे हैं तो जनता में क्या विभाग मुख्य समस्याएं क्या मिल रही है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ की यह है कि आजमगढ़ सरकार के साथ, हर बार जब सरकार किसी और की होती है तो आजमगढ़ 10 के 10 विधायक चुन लेगा, लेकिन वो रहेंगे विपक्ष में, कुछ कर नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है और अब ये जो 2 साल है वो भारतीय जनता पार्टी को देना ही चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छा नहीं करेगी तो 2 साल बाद उसको भी बदल देंगे।